मैं हूं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद हैं मुंब्रा के बाईपास पर। आप देख सकते हैं मेरे इस हाथ पर मुंब्रा बाईपास है और इस हाथ पर आज़ाद नगर एरिया है। यहां पर जो है काम चालू किया गया है, मुंब्रा बाईपास का जो सुरक्षा दीवार जो है उठाने का यहां पर काम चालू किया गया। पत्थरों को यहाँ से हटाया जा रहा था, लेकिन एक यहाँ पर जब पत्थर हटाया जा रहा था उसी दौरान एक पत्थर यहाँ से जो है नीचे की तरफ गिर गया। जो राजू नाम के व्यक्ति हैं उनके घर पर वो पत्थर जाके गिरा। हालाँकि इस पत्थर गिरने के दौरान किसी को जो है चोट नहीं लगी है, लेकिन उनके घर में जो है काफ़ी सामान का जो है नुकसान हो गया है। उनका जो एक बेटा है वो नहा रहा था उस टाइम पे, बताया जा रहा है वो काफ़ी डरा हुआ सहमा हुआ सा था। कुछ देर तक वो बोल नहीं पा रहा था सिर्फ डर की वजह से। लेकिन जो ये पत्थर गिरा है इसमें किसी की कुछ चोट तो नहीं लगी है, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ सुरक्षा की लिहाज से अगर कुछ इंतजाम किया गया होता तो इस पत्थर का नीचे जाना नामुमकिन होता। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं उस परिवार से जिसके घर पर ये पत्थर गिरा है। हम लोग सुरक्षा की दीवार का काम कर रहे हैं। 4:30 बजे के नाम पे मेरा बच्चा नहा रहा था मोरी में और ऊपर से इतना बड़ा पत्थर आया कि मेरा घर भी टूट गया और मेरे बच्चे की जान जाते जाते बची। जब ये लोग का काम चालू था मैंने जाकर बोली कि यहाँ पर आएंगे ना तो मुझे बोलकर काम करना, क्यों तो मेरा घर कच्चा है नीचे है। तो बोले नहीं हम लोग है ना मैडम आपको आकर बोलेंगे और बिगर इन्फॉर्म करे एलो ने काम करे। आज मेरा घर भी टूट तो गया और मेरा बच्चा बच गया उसकी जान। साल से तो हम लोग कितने बजे ये घटना हुई है जो पत्थर गिरा, कितने बजे? 4:30 बजे के टाइम पे, बराबर 4:30 बजे के टाइम पे गिरा है। और हम लोग बाहर ही बैठे थे, जब जोर से आवाज आई तभी हम लोग भागे इधर अंदर। देखे इसको मेरी बहनों ने निकाले और मैं सीधा ऊपर भागी। और उसके बावजूद भी पोकलेन वाला काम चालू है, मट्टी और पत्थर फेंके जा रहा है। तो ये हम लोग की जान का नुकसान है कि नहीं भाई? हम लोग तो हर साल बोलते है, हर सबको बोल रहे कि ये हम लोग को कम करा के दो या कुछ करा के दो। तो बोले यहाँ पे पोकलेन या जेसीपी आएंगी तो नीचे आ जाएंगी। अब जब काम चालू तो पोकलेन जो काम चालू था तो क्या उन लोगों ने यहाँ आपके घर के तरफ कोई सुरक्षा के हिसाब से कुछ लगाया था या नहीं लगाया था? हमारे घर के तरफ कुछ सुरक्षा की ना दीवार बनाए ना जाली बनाए ना कुछ, डायरेक्ट काम चालू कर दी है और उससे मेरे बच्चे की जान जाते जाते बच गई है। आप जो जब पत्थर गिरा तो उस वक्त आप कहाँ थे? मैं बाथरूम में नहा रहा था। आपको लगी क्या चोट वोट कुछ लगी? नहीं, चोट वोट नहीं लगी, खाली डर गया था 2 मिनट के लिए। क्या नाम आपका? हमजा। तो आपने सुना कि जो बच्चे के परिवार है उनका साफ कहना है कि यहाँ पर काम के दौरान जो है पत्थर इस बाईपास से नीचे उनके घर पे जाके गिरा, जिनसे उनके घर पर काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि जो बच्चा नहा रहा था उसके भी जान जाने से बची है। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं हम उनसे जानने की कोशिश कर, पत्थर जो है आप नीचे की तरफ जो गया है घर पर गिरा है, घर का जो नुकसान हुआ है उस दौरान आप काम कर रहे थे, तो आप बता सकते हैं कि कैसे आखिर हो गया ये काम करने के टाइम पे क्या हो गया था? ये जो बड़ा वाला पत्थर दिखता है ना, ये पत्थर किनारे पे था, तो बरसात में क्या हो सकता है कि मिट्टी घसक जा सकती थी। उसके लिए उनके आदमी लोग बोले थे उस टाइम उधर काम चालू था, तो वो वैसा ही पत्थर था बड़ा बड़ा, तो वो जाने रहा था बरसात में, मतलब घसक रहा था। तो अपना ये बाजू में क्या है इसको लेना मस्जिद अनाथ आश्रम, या अनाथ आश्रम वाला आके बोलता है वो पत्थर हटा दो, बरसात में पूरा कीचड़ मिचड़ अंदर जाता है तो उसको निकाल दो। तो ये आप देख सकते हैं ये बड़ा पत्थर है, ये बड़ा पत्थर भी किनारे में है, अगर बरसात में वो पूरा घसक जा सकता था वो पत्थर, वो उसको निकालने के टाइम पे उसके नीचे जब छोटा पत्थर था। लेकिन अगर आप लोग इस तरह से यहाँ काम कर रहे थे तो आप लोगों को ये बात भी मालूम है कि नीचे की तरफ जो है काफ़ी घर यहाँ पर बने हुए हैं, तो क्यों नहीं आप लोगों ने यहाँ पर कुछ सुरक्षा का इंतजाम किया? हालांकि यहाँ जो दीवार उठाई जा रही है ये बाईपास की सुरक्षा के लिए ही दीवार उठाई जा रही है, लेकिन इस काम को देखते हुए आप लोगों को भी यहाँ कुछ सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए था कि अगर पत्थर यहाँ से आप हटा रहे हैं तो वो घरों पर जाकर ना गिरे। वो संभाल के कह रहे हैं वो गलती से हो गया, उसका अभी ऑपरेटर को पता नहीं चला वो बकेट में पत्थर कैसा गया। अच्छा कॉन्ट्रैक्टर कौन है? कॉन्ट्रैक्टर बीएस कटर करके है। कहाँ पर है वो? वो अभी तो बाहर है किधर तो भी। अच्छा, तो इसके बारे में आपने बताया उनको? हाँ बता दिया, वो बोले मैं कल आके मिलता हूँ उनसे। तो अभी वो कल आएंगे तो आप लोग अभी क्या काम फिर चालू करेंगे? यहाँ कोई सुरक्षा दीवार जो है सुरक्षा अपने हिसाब से यहाँ करेंगे उसके बाद? पूरा बना के काम चालू करेगा, ऐसा नहीं करेगा। यानी जो वहाँ पर घर है उसके साइड आप कुछ सुरक्षा के इंतजाम करेंगे उसके बाद? इंतजाम करके ही करेंगे।
उसके पहले काम ही नहीं चालू करेंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से ये जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे, हालांकि जैसा इन्होंने बताया कि जो है ये कुछ पत्थर जो हटा रहे थे उसी दौरान वो पत्थर जो है सरकर नीचे के साइड गिरा, जो घर पे जाकर गिरा है। लेकिन फिलहाल अब ये जो मजदूर यहाँ पर है, इनका कहना है कि जब तक कॉन्ट्रेक्टर यहाँ आएगा नहीं, जब तक वो यहाँ पर कुछ सुरक्षा का इंतजाम करेगा नहीं, तब तक ये काम नहीं चालू करेंगे। फिलहाल जिस तरह से ये काम चालू किया गया था उस हिसाब से यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से जो है पहले इंतजाम किया जाना चाहिए था। फिलहाल अगर कोई अनहोनी हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।